Hello children, today we are going to do the part D of this chapter number 7, Gupta's age and other rulers. Okay, हमने अपने previous video में देखा था इसमें cultural condition during Gupta period and condition of science during Gupta age. Now we will learn about read about Emperor Harshvardhan and Pulkeshi II. ये दो rulers थे जो north and south में rule कर रहे थे उस time पर. Okay, so first हम राजा हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे. Emperor Harshvardhan. After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important state of ancient India. सो आफ्टर द गुप्ता एज में के बाद हर्षवर्धन जो थे किंग उनका किंगडम बहुत बड़ा था और एंशेंट इंडिया का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट माना गया था. ही बिलोंग टू पुष्याभूति क्लैन ऑफ धनेश्वर. राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन. ये दोनों प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे. वाइल हिज डॉटर वॉज राज्यश्री हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कन्नौज ध्रुव वर्मन. तो उनकी एक सिस्टर थी राज्यश्री जो प्रभाकर वर्धन की डॉटर थी. उनकी शादी किससे करवा दी गई थी, उनके मैरिज हुआ था कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मन से. गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप राज्यश्री एंड अटैक ऑन दी किंगडम विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस. ठीक है, तो गॉड किंग ने क्या किया, शशांक ने और मालवा के राजा ने राज्यश्री को किडनैप कर लिया और उन पर अटैक किया किंगडम पर विच क्रिएटेड मेजर क्राइसिस. राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राज्यश्री. और जो राज्यश्री के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उनकी मृत्यु हो गई, इसमें डेथ हो गई उनकी अपनी सिस्टर को बचाने में. इन सच एन एमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 606 AD. ही सेव राज्यश्री. नॉट ओनली दिस, ही स्टार्टेड हिज प्रॉपर रूल इन बोथ द स्टेट कन्नौज एंड थानेश्वर. तो वो तो राजा थानेश्वर के थे बट कन्नौज का भी जो था किंगडम उस पर अटैक कर हुआ था, इसलिए उसका भी कामकाज कुछ ढीला चल रहा था. तो राजा हर्षवर्धन और राज्यवर्धन जो बड़े पुत्र थे प्रभाकर वर्धन के, उनकी मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन को किंगडम का राजा बनाना पड़ा. फिर हर्षवर्धन ने 606 में कन्नौज और थानेश्वर दोनों पर रूल किया. हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशियंट इंडिया. ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन जो थे एंशियंट इंडिया के लास्ट ग्रेट एम्परर थे. ओके, ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, ओडिशा, सरस्वत, गौड, मिथिला. यहाँ पर इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रखा था. कंटेम्प्रेरी स्टेट मैत्रक किंग ध्रुवसेन वॉज हिज सन इन लॉ. पुलकेशी सेकेंड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ. तो कंटेम्प्रेरी स्टेट में ये बताया जाता है कि मैत्रक जो थे, मैत्रक किंग ध्रुवसेन, वो सन इन लॉ थे किसके, हर्षवर्धन के. और पुलकेशी सेकेंड जो थे वो साउथ में उस टाइम पे रूल कर रहे थे. इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड. हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा. तो इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई और ये जो हर्षवर्धन को एक पावरफुल किंग माना गया, कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ माना गया था, बट पुलकेशी सेकेंड के सामने ये टिक नहीं पाए थे. ओके, इसलिए इसमें इनकी हार हो गई थी. कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. ही स्टे इन हिज पैलेस. हर्ष वॉज डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. तो हर्षवर्धन जो थे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था. चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूनसांग उनके टाइम पर आया हुआ था, वहाँ पर ये काफ़ी दिन रुका. और जो राजा हर्षवर्धन थे वो शिव के भक्त थे बट वो बाद में उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया. ही ऑर्गेनाइज अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ ह्यूनसांग. ह्यूनसांग की प्रेसिडेंटशिप में राजा हर्षवर्धन कॉन्फ्रेंस मीट अनाउंस करते थे. ही प्लेस आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वॉरशिप. सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज ऑन महायान एंड हीनयान. सेमिनार ऑर्गेनाइज होते थे. एम्परर हर्ष हैज पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन. ग्रेट पोइट बाणभट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ हिज कोर्ट. ठीक है,
लिटरेचर का भी उन्हें बहुत शौक था, तो जो ग्रेट पोएट थे बाणभट्ट वो इनकी कोर्ट से जुड़े हुए थे, उनकी कोर्ट में थे, दरबार में थे। ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम लाइक हर्षचरितम, कादम्बरी इन संस्कृत, मयूर भट्ट एंड जयसूर या वर ऑल्सो ग्रेट पोएट ऑफ द टाइम ऑफ हर्ष। एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर, और जो राजा हर्षवर्धन थे वो भी बहुत ही हाई रैंकिंग लिटरेट थे। ही कंपोज टू प्लेज कॉल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। राजा हर्षवर्धन ने भी दो किताबें लिखी थी, दो नाटक लिखे थे जिसका नाम था प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। अलॉन्ग विथ इट ही ऑल्सो रॉट ए स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन जातक स्टोरी ऑफ बुद्धा नेम नागानंद। उन्होंने एक और स्टोरी लिखी थी, जातक स्टोरीज लिखी थी किसके ऊपर, बुद्धा नागानंद उनका नाम था। तो जातक स्टोरी क्या होती है, गौतम बुद्ध के जो बचपन की कहानियाँ होती हैं वो इसमें होती है, तो उन्होंने भी राजा हर्षवर्धन ने लिखा हुआ था। हर्ष ऑल्सो फॉर्म फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, ही सेंट अ डेलीगेशन टू चाइना, सिमिलरली अ चाइनीज डेलीगेशन ऑल्सो विजिटेड इंडिया। इन दिस वे हर्ष वॉज अ हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्क्योर, एडमिनिस्ट्रेटर, लिटरेचर। He donated 100 village to sustain Nalanda Vidyapit. 100 village को डोनेट किया था नालंदा विद्यापीठ बनाने के लिए। और उनका ना बाकी सभी के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन था, अदर कंट्रीज़ के साथ, और अदर कंट्रीज़ के जो जैसे चाइना के डेलीगेशंस जो राजदूत थे, जो स्कॉलर्स थे, वो इंडिया विज़िट किए, इंडिया के अदर कंट्री में विज़िट हुए, उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तो राजा हर्षवर्धन को बेस्ट, एकदम ग्रेट रूलर माना गया, किंग माना गया। तो ये बात हुई राजा हर्षवर्धन की। अब हम पुलकेशी सेकंड के बारे में देखेंगे, जो उस टाइम पर साउथ में रूल कर रहे थे, जब राजा हर्षवर्धन नॉर्थ में रूल कर रहे थे तब। Among the contemporary king of Emperor Harsh time, Pulkesi II was the most powerful Chalukyan king. He took the power from Rashtrakut in Maharashtra and established a state. Okay, तो Pulkesi II powerful king था Chalukya dynasty का, और इसने Rashtrakut से राष्ट्रकूट से पावर ले लिया था महाराष्ट्र में, और वहाँ पे अपना स्टेट इस्टेब्लिश किया था। पुलकेशी सेकंड रूल फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक पुलकेशी सेकंड ने रूल किया। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष, एम्परर राजा हर्ष को भी नर्मदा बैटल में हराया था। ही वॉज अ ग्रेट विनर आफ्टर डिफीटिंग कदम गंगाज ऑफ महेश्वर, मौर्याज ऑफ कोंकण। ही रिसीव द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द साउथ। ओके, जब इन सबको हराने के बाद उन्हें एक नाम दे दिया गया था, लॉर्ड ऑफ द साउथ, मतलब साउथ में उन्हें भगवान माना गया। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट, मालवा एंड गुर्जर्स। ही वॉज द रूलर ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड कोंकण। यहाँ पे रूल किया इन्होंने महाराष्ट्र में, कोंकण में, कर्नाटका में। जस्ट लाइक हर्ष ही हैड ऑल्सो डेवलप रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। जिस तरीके से राजा हर्षवर्धन का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था अदर कंट्रीज़ के साथ, वैसे ही पुलकेशी सेकंड का भी। ही हैड सेंट वन ऑफ हिज एम्बेसडर टू ईरान, एम्परर खुसरो सेकंड, हु वॉज हिज फ्रेंड, ईरान्स एम्परर। ठीक है, खुसरो को सेंट किया उन्होंने ईरान, सेंट टू द एम्बेसडर टू ईरान्स एम्परर खुसरो सेकंड वॉज हिज फ्रेंड। तो ये उनके फ्रेंड भी थे। अदर स्टेट के बारे में अगर हम देखें, एट दिस टाइम अदर स्टेट इंक्लूडेड पालवस ऑफ कांची, गुर्जर्स प्रतिहार ऑफ राजस्थान, मैत्राक्स ऑफ वल्लभी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात, करकोटाको ऑफ कश्मीर एटसेट्रा। पालव ऑफ कांची हैड बिकम फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। जो कांची था वो आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। दे बिल्ट मैनी टेम्पल ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश बाय कटिंग रॉक्स, पत्थरों को काट के ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बनाए गए थे। पालव हो बिल्ट चैरियट टेम्पल ऑन ए सी सोर, चैरियट टेम्पल, रथ टेम्पल बनाया गया सी सोर के पास पालव्स ने। हैव इंक्रीज इंडियाज कल्चरल प्रॉस्पेरिटी, कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन कांचीपुरम, कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया गया, इसने इंक्रीज़ किया इंडिया के कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को।
कैन बी कंसिडर एज द बेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम का बेस्ट टेम्पल माना गया कैलाश टेम्पल कांचीपुरम को. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. थैंक यू.